हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, WWE ने अगले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए एक बहुत बड़ा मैच अनाउंस कर दिया है, जिसमें रोमन रेंस उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप फिर से डिफेंड कर रहे हैं डैनियल ब्रायन से। और ये मैच बड़ा इसलिए है क्योंकि अगर रोमन हारे तो वो उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार जाएंगे, लेकिन अगर डैनियल ब्रायन हार गए तो उन्हें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन छोड़कर जाना पड़ेगा। और अब र्यूमर्स ये सुनने में आ रहे हैं कि इस मैच में एज आकर डैनियल ब्रायन को हरवा देंगे। और एलिस्टर ब्लैक रिटर्न आ चुके हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। और रेसलमेनिया बैकलैश पेपरव्यू के लिए WWE ने एक और मैच अनाउंस कर दिया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में डैनियल ब्रायन रिटर्न आ गए और वो सिजारो की मदद करने आए, क्योंकि उन पे सेथ रॉलिंग्स और जे उसो मिलकर अटैक करने वाले थे। और उसके बाद डैनियल ने कहा कि सिजारो को मैच मिलना चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप का, क्योंकि वो रोमन से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और वो डिजर्व करते हैं यूनिवर्सल चैंपियन बनना। और रोमन आए और वो उनकी टी शर्ट दिखाकर डैनियल ब्रायन को याद दिलाया कि उनकी टी शर्ट में जो फोटो बनी हुई है उसमें रोमन डैनियल और एज का एक साथ पिनफॉल करवा रहे हैं, इसलिए ब्रायन के कुछ भी कहने से रोमन को फर्क नहीं पड़ेगा। पर स्मैकडाउन में जे उसो और सेथ रॉलिंग्स जब सिजारो और डैनियल ब्रायन को टैग टीम मैच में नहीं हरा पाए तो सिजारो से ब्रायन ने स्विंग करवा दिया जे उसो को, और उन्होंने रोमन को कहा कि वो आकर सिजारो का चैलेंज एक्सेप्ट कर लें और उनके कजन जे उसो को बचा लें। इसलिए आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के आखिरी सेगमेंट में रोमन आए और उन्होंने सिजारो को कहा कि वो उनके साथ रिंग के अंदर खड़े रहना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि वो रोमन के लेवल पर नहीं है। और डैनियल ब्रायन से रोमन को चिढ़ हो चुकी है, इसलिए वो सिजारो को नहीं बल्कि डैनियल ब्रायन को फिर एक बार मौका दे रहे हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का। पर अगर इस बार डैनियल ब्रायन रोमन से हारे तो उन्हें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन छोड़कर जाना पड़ेगा, और डैनियल ब्रायन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। और अब इन दोनों का मैच अगले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में WWE ने भी कंफर्म कर दिया है। दोस्तों, एज भी रेसलमेनिया 37 के बाद से अभी तक दिखाई नहीं दिए और ना ही WWE के अगले पेपरव्यू में रोमन रेंस का मैच अभी तक फिक्स हुआ है। इसलिए अगले हफ्ते स्मैकडाउन में जब रोमन और ब्रायन का मैच होगा तो एज ब्रायन को हरवा कर उन्हें स्मैकडाउन से बाहर करवा सकते हैं, और फिर वो रोमन को चैलेंज करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए WWE के अगले पेपरव्यू यानी कि रेसलमेनिया बैकलैश पेपरव्यू में। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रोमन रेंस डैनियल ब्रायन को हरा कर उन्हें स्मैकडाउन से निकाल देंगे, या फिर ब्रायन जीत कर उनके WWE के करियर में पहली बार यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, एलिस्टर ब्लैक काफी टाइम से WWE में नजर नहीं आ रहे थे, और जब उनकी वाइफ यानी कि ज़ेलिना वेगा को WWE ने निकाल दिया तो ऐसा लग रहा था कि एलिस्टर भी अब WWE में नहीं आएंगे। लेकिन एलिस्टर ब्लैक आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रिटर्न आए और फैंस को उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला, और अब ऐसा लग रहा है कि एलिस्टर ब्लैक जल्दी फाइट करते हुए नजर आएंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। वैसे दोस्तों, आपको एलिस्टर ब्लैक का फर्स्ट मैच किसके साथ देखना है कमेंट्स में मुझे बताएं। दोस्तों, WWE का अगला पेपरव्यू है रेसलमेनिया बैकलैश पेपरव्यू, जिसके लिए अभी तक सिर्फ एक ही मैच फिक्स हुआ है, और वो है बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर WWE चैंपियनशिप। और क्योंकि बेली ने बियांका को चैलेंज कर दिया था, इसलिए अब रेसलमेनिया बैकलैश पेपरव्यू में बियांका ब्लेयर का मैच बेली के साथ होगा स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल के लिए। और बैकलैश पेपरव्यू इंडिया में 17 मई की सुबह 5:30 बजे से Sony 10/1 और Sony 10/3 देगा। और आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।